नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप आनंद में होंगे और भक्ति के अंदर लीन होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई कितना भी क्यों ना जरूरी हो, पति पत्नी के पास यह चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा ऐसा जीवन आपका बर्बादी की तरफ चला जाता है और ऐसा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, पति और पत्नी का जीवन अर्थात की वैवाहिक जीवन भगवान शंकर और माता पार्वती के द्वारा बनाया गया एक पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते के अंदर जितना ज़्यादा अटूट प्रेम और विश्वास रहता है, यह रिश्ता इतना ही ज़्यादा मधुर और कोमल होता जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर इस रिश्ते के पास अगर दरार पड़ जाती है तो दोस्तों, देखते ही देखते यह रिश्ता बर्बादी की तरफ चला जाता है और इस रिश्ते के अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पति पत्नी के पास भूल कर भी यह चीज़ें नहीं रखें, अन्यथा आपके पारिवारिक सुख आपको नहीं प्राप्त होते और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहला, दोस्तों जो लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं वह जानते ही होते कि हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और हनुमान जी जहां पर निवास करते हैं वहां पर सदैव सकारात्मक कार्य होते हैं और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन होना चाहिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने शयन कक्ष के अंदर हो, आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने पास नहीं रखनी चाहिए, या फिर हनुमान जी की तस्वीर आपके शयन कक्ष के अंदर ऐसी नहीं हो कि खुली आंखों से आप उसे देख पाए, या फिर आप इसे बंद अलमारी तिजोरी के अंदर या फिर किसी प्रकार से आप ऐसे कि कपड़े के पीछे वह रह जाएं, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। लेकिन सीधी हनुमान जी की तस्वीर आपको अगर आप अपने शयन कक्ष के अंदर रखते हैं तो दोस्तों, हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते आपको कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला कार्य तो आपको यह नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो जब दोस्तों आप किसी प्रकार का व्रत आदि करते हैं, जिस प्रकार से एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी भी प्रकार मंगलवार, शनिवार अगर आप किसी भी प्रकार का व्रत आदि करते हैं तो दोस्तों, व्रत का पारण तभी संभव हो जाता है जब आप शुद्ध सात्विक और सकारात्मक रहते हुए उस व्रत को करें, अन्यथा आपको इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो जिस दिन आपने व्रत किया है, पति और पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई कार्य करके अगर आप गलत कार्य कर देते हैं तो दोस्तों, आपका वह व्रत खंडित हो जाता है और ऐसा करने के बाद आपको व्रत सौभाग्य की बजाय दुर्भाग्य प्राप्त हो जाता है और आपको उसका फायदा प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसी वजह से इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह पति पत्नी का रिश्ता बहुत मधुर और सकारात्मकता से भरा होता है। जब आप अपने वैवाहिक जीवन का पालन करते हैं तब आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की नई चीज़ें जुड़ जाती है। विशेष तौर से सुहागिन महिलाओं को कई प्रकार की सुहाग की वस्तुएं मिल जाती है। तब आप इस बात का ध्यान रखें, सुहागिन महिलाएँ कभी भी किसी अन्य महिला के सुहाग का गहना अपने गले के अंदर धारण नहीं करें। अगर महिला, सुहागिन महिला अपने पास दूसरों का गहना धारण करती है, किसी का मंगलसूत्र हो, किसी की सिंदूर की डिब्बी हो, या किसी की चूड़ियां हो, या किसी की बिछुआ हो, दोस्तों यह चीज़ें सुहाग की अमूल्य निशानी मानी जाती है। अगर आप इसे किसी अन्य की धारण करते हैं तो आपके पति की आयु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि सामने वालों के जीवन के ऊपर वैवाहिक जीवन कर कैसी सकारात्मकता या नकारात्मकता हो, उसका असर आपके ऊपर पड़ता है और देखते ही देखते आपके पति पत्नी के मध्य जो प्रेम का रिश्ता था वह तकरार से भरपूर हो जाता है। दूसरों एक दूसरे के बीच क्रोध बढ़ता है और आपको कभी भी सच्चा प्यार या समूचा जीवन आपका अच्छा नहीं होता। इसी वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी सुहाग की चीज़ें न तो किसी को पहनने के लिए आपको देनी चाहिए और न ही आपको किसी की लेनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, पति पत्नी को सप्ताह में एक बार या महीने में दो बार या वर्ष के अंदर कम से कम जितना ज़्यादा मौका मिलता है आपको
संयुक्त रूप के अंदर बैठकर जोड़े के अंदर भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप जोड़े के अंदर भगवान की पूजा करते हैं तो देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके पास होती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने लगता है, इसीलिए इसका विशेष महत्व माना गया। आप पूजा पाठ तो ऐसे ही करते ही हैं, लेकिन महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार ऐसा समय निकालें कि आप दोनों एक साथ बैठकर भगवान की पूजा करें, ताकि आपको इसका दोगुना लाभ प्राप्त हो और देवी देवताओं का समुच्चा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, महिलाओं के जीवन काल का सबसे अच्छा और मतलब या बुरा कहें या कैसा भी कहें दिन माना जाता है मासिक धर्म, और प्रत्येक महिला को अपने मासिक धर्म का पालन करना होता है। इस समय उसे किसी विशेष प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पूजा पाठ से संबंधित, रसोई से संबंधित और अपने वैवाहिक जीवन के संबंधित। तो पुरुषों को भी इस समय उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके उस समय उनकी केयर करें, उस समय उनके पास आप जाने से आप बचें, अर्थात कि इस दिन आप किसी भी प्रकार के संबंध बनाने से जितना उनका समय होता है बचना चाहिए। अगर आप उनसे किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन ही अपने आप समाप्त होने लगता है, वैवाहिक जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और देखते ही देखते आपको बीमारियों के साथ साथ अन्य प्रकार के धार्मिक कारणों का भी सामना करना पड़ता है और तनाव आपके जीवन के अंदर कई प्रकार से आ जाता है, तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, पति और पत्नी अपने पास आप कभी भी अपने शयन कक्ष के अंदर कांटेदार पौधे नहीं लगाएं। अगर आप अपने शयन कक्ष के अंदर कांटेदार पौधे लगाते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी धीरे धीरे टूटने लगता है, वैवाहिक जीवन के अंदर नकारात्मकता बढ़ने लगती है और आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से माना जाता है कि अगर आपके कांटेदार पौधों को अपने घर से ही दूर रखते हैं तो आपको फायदा होता है, अगर घर के अंदर लगाते हैं तो कम से कम आप अपने शयन कक्ष के अंदर कांटेदार पौधे भूलकर भी नहीं लगाएं। इसी तरह दोस्तों, अपने शयन कक्ष के अंदर आप कुछ तस्वीरें भी आपको नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि भगवान नटराज, भगवान शिव की नटराज अवतार के अंदर आपको तस्वीर भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसे भगवान शिव का क्रोधित रूप माना जाता है। अगर आप भगवान शिव के क्रोधित रूप की तस्वीर अपने शयन कक्ष के अंदर लगाते हैं तो आपके रिश्ते के अंदर भी मधुरता नहीं रहती, किसी न किसी रूप से क्रोध या ईर्ष्या आपके जीवन के अंदर बनी रहती है, इसी वजह से इसके बारे में मना किया जाता है। इसी तरह अपने शयन कक्ष के अंदर डूबते हुए जहाज की तस्वीरें हो या फिर आपको अपने शयन कक्ष के अंदर किसी प्रकार से नकारात्मकता फैलाने वाली चीज़ें हो, युद्ध की तस्वीरें हो, ऐसी तस्वीरें भी आपको अपने शयन कक्ष के अंदर नहीं लगानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ें लगाते हैं तो आपको उसका लाभ मिलने की बजाय आपको हानि हो जाती है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर कंगाली आ जाती है, इसी वजह से ऐसा मना किया जाता है। तो दोस्तों, पति पत्नी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपके पारिवारिक जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।